हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि साहू। आज मैं आप सभी को पक्षांतर विधि से समीकरण हल करना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्स प्लस फाइव इक्वल नाइन। अब हम इसे एक्स इक्वल नाइन माइनस फाइव की तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ? x इक्वल नाइन में माइनस फाइव कैसे आया? देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में फाइव प्लस में है, और अगर कोई भी अचर पर इक्वल के लेफ्ट साइड में प्लस में है तो उसे राइट साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अगर ये फाइव प्लस की जगह माइनस में होता तो यहाँ पे ये फाइव प्लस में आता। अब x का मान निकालने के लिए 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और ये 4 ही x का मान होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में 9x इक्वल 27। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 देखिए यहाँ पे इंटू में है, और अगर कोई भी अचर पर इंटू में होता है तो उसको इक्वल के राइट साइड ले जाने, इक्वल के राइट साइड ले जाने पर वह डिवाइड हो जाती है, यानी कि आएगा हमारा x इक्वल 27 अपॉन 9। अगर ये x अपॉन 9 होता क्वेश्चन में तो यहाँ पे होता, यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे होता 27 इंटू 9, बट क्वेश्चन हमारी है 9 इंटू x, इसलिए यहाँ पे 9 आएगा, 27 अपॉन 9। और x का मान निकालने के लिए अब इसे 9 से कट जाएगी तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। और x का मान होगा 3। और लास्ट क्वेश्चन 7y प्लस 1 इक्वल 9 है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट साइड था, इसलिए राइट साइड में जाने पर माइनस हो गया। 9 में से बन जाएगा तो कितना आएगा? 8। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इनटू में, इसलिए ये 8 अपॉन 7 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये संख्या किसी से कटेगी नहीं, इसलिए हमारा आंसर आएगा 8 अपॉन 7। y = 8 अपॉन 7। सो थैंक यू फ्रेंड्स।